का जाएगा 101 रुपए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज का जो वीडियो है इज लाइक अ व्लॉग, और उस व्लॉग में मैं मोस्टली डीक्लटरिंग करने वाली हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल की, तो उसी के ऊपर पूरा व्लॉग रहने वाला है। तो एज यू ऑल नो, मेरे पुराने अगर आप फॉलोअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पास एक टाइम पे बहुत मेकअप का सामान हुआ करता था, जो मैं लास्ट वीडियो बना चुकी हूँ। और मेरा ड्रेसिंग टेबल आपने देखा ही है बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है जिसका मैं इमेज डाल दूंगी मैंने किस तरह से उसको खरीदा था, देन उसको मेकओवर करके मैंने थोड़ा सा उसको फैंसी बना दिया था, एंड देन एक बार और अभी मैं डीक्लटरिंग कर चुकी हूँ मैसिव वाली, क्योंकि मेरे जो ड्रेसिंग टेबल है उसके साइड में प्लास्टिक का बहुत बड़ा सा रैक स्टाइल कंटेनर स्टाइल में ड्रॉअर सेटअप बोल सकते हो वो हुआ करता था, जो मैंने पूरा पूरा हटा दिया और उसका जो पूरा सामान है सब कैसे भी करके सब ड्रेसिंग टेबल में ही फिक्स कर दिया है। तो लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल में बहुत अननेसेसरी सामान है जो मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा मेकअप लवर थी, मेकअप लवर आप बोल सकते हो, इस लेवल की थी कि मैं मेरे पास आई थिंक हर ब्रांड के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ, या हैं अभी भी आप बोल सकते हो है मेरे पास, वो कितने भी हाई एंड ब्रांड हो या बहुत ही हाई एंड ब्रांड नहीं, मतलब मैक बेनिफिट सेफोरा इस टाइप का जो ब्रांड होता है इतने लेवल तक, उससे ज़्यादा हाई एंड जो होते हैं वो सब नहीं पापा मेरे पास है, बस उतना है। और जो मिड एंड ब्रांड होते हैं वो भी मेरे पास सब कुछ है। तो आप बोल सकते हो कि अब मेरा मन उठ चुका है मेकअप पे से, और मुझे मेकअप की चीज़ें ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगती हैं, उल्टा मुझे लगता है ये सब वेस्ट है। साथ साथ आपके पास 5 या 6 लिपस्टिक होनी चाहिए, 3 आपके पास परफेक्ट न्यूड्स होने चाहिए, 1 रेड होना चाहिए, 1 पिंक होना चाहिए, दैट्स इट, आप यही लिपस्टिक लगाते हो। तो यू नो, मैं अभी इस थिंकिंग पे आ चुकी हूँ, आई डोंट नो कैसे ये मेरी मेंटालिटी चेंज हो रही है, बट येस मुझे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एवरीथिंग है, बट अच्छी चीज़ है, वो सब कर लिया, सब देख लिया, सब यूज़ कर लिया, तो नाउ आई एम यू नो लाइक कि सब फालतू है, इतना खरीदेगा कोई मतलब नहीं है। तो आज मैं डीक्लटरिंग करने वाली हूँ, और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब जो एक और वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं अपना मेकअप कलेक्शन आपको शो करूंगी अलग से, इसमें मैं शो नहीं कर रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये प्रोसेस ही बहुत वैसी होगी। तो यस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पेट पूजा करी जाएगी, और क्योंकि शाम हो रही है मैंने ये शाम से वीडियो स्टार्ट किया है। इवनिंग स्नैक तो खाना बनता है, एज यू ऑल नो मैं ब्रेड खाती हूँ इवनिंग स्नैक में, तो मैं फटाफट से वो रेडी करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, सो एज यू ऑल नो कि मैं ओजीवा प्रोटीन पाउडर काफी टाइम से ले रही हूँ, लाइक आई थिंक 1.5-2 साल हो चुका है कि मैं ओजीवा प्रोटीन पाउडर ले रही हूँ, और मुझे आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई, आई एब्सोल्युटली लव इट, और मैं हर इंसान को रेकमेंड करती हूँ। अगर आप प्रोटीन पाउडर लेना चाहते हो देन डेफिनेटली ओजीवा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट, और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स मिले नहीं है, एडिड शुगर नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें, यू नो ये आयुर्वेदिक हर्ब से बनता है। सो आई रियली लाइक दिस प्रोटीन पाउडर, मैं काफ़ी सारी बार अपने वीडियोज में बता चुकी हूँ, इवन जो लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने इसका वेरियंट ट्राई किया था दैट इज PCOS हर्ब वाला, दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, और वो छोटी बॉटली थी तो मेरी 1 महीने में खत्म हो गई है। तो अगेन मैं वापस बैक टू पवेलियन इस पे आ चुकी हूँ ओजीवा, ये तो मतलब मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक बहुत ही टाइम हो चुका है। अभी इसके साथ रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है, दिस इज ओजीवा सुपर फूड पीनट बटर, जो कि इसके साथ में कॉम्बो पैक में आया है दिस टाइम, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। ये इंडिया का पहला ऐसा पीनट बटर है जिसके अंदर सुपर फूड एडेड है, लाइक ब्राह्मी हनी मोरिंगा और पोमेग्रेनेट। इसके अंदर 15 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मिले हुए हैं, इसके अंदर 0 कोलेस्ट्रॉल है। तो एज यू ऑल नो कि मेरा जो फर्स्ट पीनट बटर था, मैंने थोड़े टाइम पहले ही अपने वीडियो में बताया था कि दिस वॉज माई फर्स्ट पीनट बटर, और मैंने पीनट बटर खाना स्टार्ट किया है, तो ये जो मेरा पीनट बटर है ये ऑलमोस्ट क्या मतलब खत्म ही हो गया है, सिर्फ हार्डली एक बार ब्रेड में लगाऊंगी मैं 4 ब्रेड में और ये खत्म हो जाएगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट, बिल्कुल सही टाइम पे ये मेरे पास आया है, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस पीनट बटर। और आप इसको किस तरह से ले सकते हैं, एक तो आप पीनट बटर बनाना स्मूदी बना सकते हैं, देन पीनट बटर सैंडविच खा सकते हैं, देन पीनट बटर कुकी आप बना सकते हैं, कैसे भी फ्लेवर में जैसे आपको पसंद है आप वैसे इसको खा सकते हैं। Why it is important to take peanut butter? क्यों peanut butter को consume करना important है, मैं वो आपको फटाक से बता देती हूँ। ये basically एक तरह का natural instant energy booster है, ये rich in nutrients होता है और साथ ही साथ decent source of protein होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा healthy होता है। तो मैं इसको last 1 month से, जब से ये आया है, मैंने आपको और भी 2-3 बार मैं videos में बता चुकी हूँ, मैं ब्रेड में ब्राउन ब्रेड में इसको लगाती हूँ और वैसे ही खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। तो अभी आप जनरली इसको सुबह ही कंज्यूम करिए,
है जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे, बट मैं जनरली ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मैं ब्रंच करती हूँ बिकॉज ऑफ, मैं उसका भी रीजन बताऊंगी किसी नेक्स्ट कभी वीडियो में. मैं यूजुअली ब्रंच करती हूँ, ब्रेकफास्ट मेरा स्किप होता है, तो दैट्स व्हाई शाम को जो इवनिंग स्नैक, क्योंकि मेरा डांस क्लास होता है उसके पहले मुझे थोड़ा सॉलिड सोर्स ऑफ यू नो फूड चाहिए होता है, एनर्जी बूस्टर टाइप का बोल सकते हो. सो दैट्स व्हाई मैं शाम का इवनिंग स्नैक जो थोड़ा सा हैवी लेती हूँ. मेरी जो ब्रेड्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं. So I will put the links in the description box if in any case आपको खरीदना हो तो. And अभी हम मैं पटाख से ही खाती हूँ और उसके बाद हम decluttering की तरफ. Hello guys, Vicky जो है उसका जो laptop है वो खुद ही ठीक कर रहा है, पता नहीं क्यों खुद ठीक कर रहे हो ऐसा काम. विक्की ने, विक्की का एक मोबाइल था आज से कितने साल पहले लिया था हमने, चार पाँच साल पहले ना, नेक्सस का मोबाइल था गूगल का जब आता था, वो आई थिंक वो आपका एक्सपेंसिव मोबाइल था ना जो बर्बाद किया था, 27,000 या 28,000 का विक्की ने लिया था. एक साल उसको यूज़ किया और एक साल यूज़ करने के बाद विक्की ने कोई ऐप बनाया खुद का और उस ऐप को उस मोबाइल में डाला, उस मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ा दिया. मतलब जो पूरा ये होता है ना अपने विजिट्स वगैरह ये सब, तो जो एक्चुअल गूगल का सॉफ्टवेयर था वो उड़ा दिया, और वो उड़ाने के बाद खुद का सॉफ्टवेयर चला दिया, वो मोबाइल चलना ही बंद हो गया. इनफैक्ट उसको ठीक करने के लिए भी मना कर दिया सर्विस सेंटर वालों ने. उसके बाद से आई थिंक आप एक्सपेंसिव मोबाइल नहीं लेते हो ना, क्योंकि विक्की अपने मोबाइल में आज भी वो एक्सपेरिमेंट करता है कुछ का कुछ डाल के, कुछ का अब ये 10,000 के मोबाइल में चलता है भाई, खराब भी हो गया तो चलो इतना दुख नहीं होता है. और अभी वो तो चलो 26,000-27,000 का था, ये विक्की का लैपटॉप बहुत एक्सपेंसिव है भाई, 80,000 का है ना, 1 लाख का, तो कहीं 1 लाख का कहाँ से. तो देखते हैं कि ये जो मिशन लैपटॉप पे हम गए हैं, मिशन डेल है हमारा, वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है. अगर सक्सेसफुल होता है तो विक्की को इनाम में दिया जाएगा 101 रुपये. तो विक्की अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भरपूर उपयोग करते हुए अपने लैपटॉप को स्वयं ही सुधार रहे हैं. सो अ क्विक अपडेट, विक्की का लैपटॉप फुल ऑन वर्किंग है, टच वर्क कर रहा है, टच वर्किंग, ये हमारे घर में आपको हर जगह पैकेजिंग देखेंगे, वो दिख रहा है अमेज़न के बॉक्स, ये एक और बॉक्स, कल विक्की के कीबोर्ड आया था, आज ये शूज आए हैं. किस खुशी में सॉक्स पहन रहे हो पापा, पहले खोल तो लो इसको. खोलते ही हम पहनेंगे उसको, ट्राई करेंगे, अगर नहीं जमा तो रिटर्न कर देंगे. आज मैं इसका डीक्लटरिंग स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने जो वीडियो स्टार्ट किया था वो 2 दिन पहले किया था, बट मैं ड्यू टू सम एक्सपायर्ड रीजंस मैं कर नहीं पाई, तो आज मैं फ्री हूँ, तो आज मैं फटाफट से, मेरा प्लान है कि मैं 2 से 3 घंटे में ये पूरा क्लीन आउट कर दूंगी, तो लेट्स सी. ओके, तो इसके साइड में अगर आपको पता हो तो यहाँ पर रहता था, जिस यूनिट की मैं बात कर रही थी आप लोगों से, प्लास्टिक का जो कंटेनर था वो यहाँ पर हुआ करता था, जो कि पूरा हटा दिया गया है, सारा सब कुछ इधर भी रखा हुआ है. बहुत सारी चीज़ें मैं आज हटाने वाली हूँ. सो यस, मैं आपको एक छोटा सा पहले टूर दे देती हूँ कि कैसा करंटली मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिख रहा है. तो अभी ये बहुत ही रैंडमली स्टफ रखा है, सबसे ऊपर परफ्यूम्स, उसके नीचे लिपस्टिक एंड उसके नीचे यू नो रैंडम स्टफ, और देन यहाँ पर मेकअप है. इस कंटेनर में भी पूरा सब कुछ फिल हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है इनफैक्ट सारा सामान. तो अभी सब कुछ आपको ऐसा एकदम अनऑर्गेनाइज मैसी सा लग रहा है. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसमें से. तो ये जितना भी सामान है, मैंने ये वाला जो टेबल है ये पूरा बड़ा करके इसको रख लिया है, तो मैं सब कुछ यहाँ पर रखती जाऊँगी, जो जो भी मुझे रखना है और जो जो मुझे नहीं रखना है वो सब कुछ. सो यस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Thank you.
इतना सारे लिपस्टिक्स हैं, ट्रस्ट मी, इतने सारे मेकअप ब्रशेस हैं। आफ्टर मैंने खुद भी बहुत सारी मिस्टेक्स करी है इतना सारा क्लटर इकट्ठा करके, बट मैं आपको एक इतना सारा मेकअप प्रोडक्ट्स हो जाने के बाद मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी। ये मेरे पास स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक्स हैं और उसके बाद आई हैव बॉबी ब्राउन एज वेल। चाहे आप ये लिप पे लगा लो, चाहे आप ये वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक है जो कि आती है 499 रुपीज की, दोनों की क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है। दोनों लिप पे एग्जैक्टली सेम वर्क करते हैं, लिप शेड्स अलग अलग हैं, बट आफ्टर यू नो द एप्लीकेशन के बाद जो आपको लाइट वेट और जैसा फील होता है एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली। तो अब आप 1800 की एक लिपस्टिक खरीदो या 500 रुपए की एक लिपस्टिक खरीदो, एक ही बात है। मतलब मुझे एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स के ऊपर मनी वेस्ट करना बिल्कुल भी, हाँ अगर आपको कोई ऐसा कलर लगता है जो आपको लगता है कि, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स में ऐसे कलर्स होते हैं जो आपको नॉर्मल लिपस्टिक्स में नहीं मिलते हैं, देन यू शुड गो फॉर दैट कलर। अदरवाइज आप जैसे नॉर्मल न्यूज ये वो कलर रेड होता है, रेड तो आई थिंक सब में एक जैसा कलर होता है, ऐसे कलर्स तो मैं बोलूंगी कि आप नॉर्मल लिपस्टिक से जैसे वेट एंड वाइल्ड हो गया, देन शुगर हो गया और उसके बाद निक्स हो गया, ये सब में भी काफी अच्छे आपको वेराइटी एंड कलर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और अब तो कितने लॉरियल और मेबलिन के भी वेरियंट्स आते जा रहे हैं, लॉन्च होते जा रहे हैं। तो इतना सब कुछ मेकअप हो जाने के बाद मैं आज ये तो आपको बोलूंगी कि मैं बड़ा रिग्रेट फील करती हूँ कि मैंने इन सब पे कितना सारा पैसा बर्बाद किया है। और ट्रस्ट मी, हार्डली मैं 6 लिपस्टिक्स हैं जो यूज़ करती हूँ। 2 लिपस्टिक्स मेरी डेली वाली जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं वही लगाती हूँ जो मुझे कलर्स पसंद है न्यूड के। रेड में मैं 1 या 2-3 रेड मेरे फेवरेट्स हैं, मैं वही लगाती हूँ। उसके बाद पिंक्स में मेरे 2 या 3 फेवरेट्स हैं, मैं वही लगाती हूँ। बाकी के लिपस्टिक्स एक्सपेरिमेंट वाले पर्पस वाले जो मैंने लिए बड़े शौक शौक में, वो मैं लगाती भी नहीं हूँ, मैं छूती भी नहीं हूँ। तो लिटरली आज मैं ये सारी लिपस्टिक्स निकालने वाली हूँ, बिकॉज इन सबको रखने का कोई सेंस नहीं है। आई शेडो पैलेट विच इज लिटरली अनटच, जिसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिफ्ट इट टू समवन। और उसके बाद मेरे पास ये मेकअप रिवोल्यूशन का अल्ट्रा कवर एंड कंसील पैलेट है जो अगेन अनटच्ड है, मैंने इसको भी हाथ नहीं लगाया है, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिफ्ट इट टू समवन, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे कंसीलर और ये, तो मैं इसको स्पॉइल नहीं करूँगी यूज़ करके। और ये वाला जो आई शेडो पैलेट है, ये मैंने बड़े ही जोश जोश में खरीदा था, जिसको मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू थ्रो इट अवे, इसको मैं रिजेक्शन वाले उसमें डाल रही हूँ। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिपस्टिक्स का बंच दिख रहा है, वो मोस्टली सारी लिपस्टिक्स मैंने डिस्कार्ड की हुई है और मैं सिर्फ थोड़ी बहुत लिमिटेड लिपस्टिक्स रखने वाली हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी लिपस्टिक्स हैं सब नहीं फेंक सकती हूँ, बहुत सारी बहुत अच्छी भी हैं, तो वो सब मैं रखने वाली हूँ। और जो मेरी यूज़ की नहीं है, जो एक्सपायर नहीं हुई है, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, और जो एक्सपायर हो चुकी है वो ऑब्वियसली मैं डिस्कार्ड ही करूँगी, उसके अलावा और कुछ ऑप्शन है नहीं मेरे पास। Thank you.
सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट. ये प्रिटी ऑर्गेनाइज्ड एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बहुत कुछ डिस्कार्ड कर दिया है मैंने. और लिपस्टिक का सिर्फ जो आपको एक वाइट वाला कंटेनर दिख रहा है ना, उसी सिर्फ एक सेक्शन में लिपस्टिक्स हैं. एंड थोड़ा सा अभी मेरे ड्रॉस डर्टी हो रहे हैं जिसको मैं बाद में क्लीन करूँगी. और यहाँ पर भी मेरे पास 46 नेल पेंट्स थी जिसमें से अभी करंटली आई हैव ओनली 13. सो यू नो इस तरह से मैंने सब डिस्कार्ड किया है. ये सब मेकअप का मैं आपको डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं व्हाट इज़ इन माई मेकअप कलेक्शन और जो भी इस टाइप का कुछ वीडियो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर. नीचे वाला सेक्शन भी काफ़ी खाली खाली हो चुका है. बहुत सारी ज्वेलरीज और एक्सेसरीज थी वो भी डिस्कार्ड करी है मैंने. और यहाँ पर मेरे हेयर स्टाइलिंग टूल्स हैं, वो सब मैं आपको जब ब्रीफ एंड डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी उसमें सब कुछ आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ और क्या क्या है मेरे पास. सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप यू रियली लाइक माई वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.